ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक है और आज मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक है पूरा आईयूपीएसी वो सिखाने जा रहा हूं, तो नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक बार लिखिए फंक्शनल ग्रुप, एक जगह लिखिए प्रीफिक्स और एक जगह लिखिए सफिक्स। या आप कह सकते हैं सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, ऑर्डर लिखिए
Substitute.
फाइनेंस सर्विसेज अगर डेवलप कर रहा है आई अगर रूल वर्ड में कहीं पर भी डबल वर्ड है तो नहीं लगेगा, कहीं पर भी ट्रिपल वर्ड है तो आई का लगेगा और कहीं सिंगल वर्ड है तो नहीं लगेगा। रूल वर्ड क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग कार्बन चेन, ये है ना। और लोकेट के लिए क्या कहता है? पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट्स, नॉट वेरी बेटा वो कर्टेन खींचो ठीक है। चैट पे लिख दो चैट। हाँ सुन, तुम्हारे घर की पार्टी, तुम्हारे घर में चाय किधर शुरू होगी? दादाजी के घर से। हाँ ऐसा नहीं होता। मोहल्ले की पार्टी पार्षद जी के घर से चाय शुरू होगी ना। पार्षद से नहीं आया तो पार्षद ये पार्षद अच्छा जी तुमने बोले चलो ये पार्षद और कहीं सभासद के घर बात कर दें। हाँ अब दो चार मोहल्लों की पार्टी विधायक जी का प्रायोरिटी। हाँ दो चार मोहल्लों की पार्टी में कौन सा प्रायोरिटी है? विधायक जी चेयरमैन। अरे ठीक है चेयरमैन विधायक मेरी बात समझो, मतलब वहाँ पे चलो आपके दादाजी गए हैं, पार्षद जी गए हैं, विधायक जी गए हैं, चाहे कैसे चलो हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं, हजार पाँच सौ के नीचे तो कोई करके बात ही नहीं करती, और छोटे मोटे काम भी नहीं करते। देखो वो बाकी जिम्मेदारी है उसमें हम नहीं देखोगे, हमारे के हिसाब से जो रोड अच्छी बनी है अपने लिए बहुत सही है। आपके नाना जी दादा जी मोहल्ले के पास विधायक जी गडकरी साहब और प्रधानमंत्री है, ये आपकी पार्टी के कहां पर है?
आपकी पार्टी में कौन को आया है, राइट, वो डिसाइड कर देगा कि कॉफी देना से शुरू होगी या चाय देना से शुरू होगी। तो ये चीज हम सीखेंगे, ये बात जो तुम उनको कह रहे हैं सेकेंडरी सब्जेक्ट्स की, हम ये बता रहे हैं अगर कहीं लगा, अगर कहीं लगा मान दो सब्जेक्ट दो दो फंक्शन पर लग गए, अगर लग गया ऐसे लग गया तो सीनियर कौन, ऐसे से कौन ऐसे लाइक कौन क्या हो जाएगी, मतलब प्रीफिक्स, मतलब उनको प्रीफिक्स के बराबर कर लेंगे, बस वही अगर दो या दो से ज्यादा कंस्ट्रक्शन को लगे हैं तो किसका सेकेंडरी सफिक्स लिखना है और किसका प्रीफिक्स लिखना है, ये बात इस बात से डिसाइड होगी कि सीनियर ज्यादा कौन है। सीनियर एक ही आर्टिकल से सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है, बच्चे वो जितने भी हैं सब प्रीफिक्स है। अरे आज बात तो पार्सल सर जी भी इंपॉर्टेंट थे, दादा जी भी इंपॉर्टेंट थे, दैट जी भी इंपॉर्टेंट थे, वेंकटेश सर भी इंपॉर्टेंट थे, प्रधानमंत्री भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के आगे सब एक बराबर है, हां प्रधानमंत्री को चाहे मिल गए क्यों मिल गया दे दो, राइट आगे बढ़े। अरे वो भी पढ़ो, यस सर, क्या हो गया बेटा, मुस्कुरा क्या हो गया बताओ, आज आगे तुम्हारी पूरी मेहनत खुश हो गया, ठीक है करो देखिए L of C या आप कह सकते हैं L of C कार्बोनिल, ठीक है, क्लोरोफॉर्मिल,
एनहाइड्राइड क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? राइट क्या हो गया पूछो एरो बना के करेक्ट कर लूं मैंने पहले कर दिया था एसिड अमाइड का प्रीफिक्स क्या है एसिड अमाइड का सिर्फ जस्ट अमाइड नहीं वो प्रीफिक्स प्रीफिक्स कार्बामोइल ठीक है कभी कभी कार्ब देखो जिन जिन फंक्शन पे कार्बन लगा है वहां कार्ब भी आप लगाएंगे अभी मैं सिखाऊंगा एक क्वेश्चन आएगा इसको कार्बामाइड भी कहेंगे लेकिन वो कब कंडीशन है उसकी इसलिए हर जगह नहीं लिखवा रहा ठीक है चलें आगे बढ़े सर एक मिनट चलो ये है एल्डिहाइड एल्डिहाइड कहते हैं फॉर्मल कीटोन को या तो कीटो कहते हैं लेकिन सही इज ऑक्सो सही इज ऑक्सो इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं इसको मरकेप्टो कहते हैं ठीक है एमाइन को एमिनो कहते हैं ठीक है एल्कीन को तो आपको पता ही है इसका प्रीफिक्स क्या है ठीक है प्रीफिक्स तो होता ही नहीं है यहाँ पे सफिक्स होगा सीधे ठीक है इन तीनों का कोई प्रीफिक्स नहीं होता चलो अब इनका यहाँ पर होगा अल क्या होगा अल यहाँ पर होगा ओन यहाँ पर ऑल और यहाँ पर मरकेप्टो है ना तो लिखिए है थायोल मीन हो गया चलें चलिए अब लिखिए लिखिए सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल इज नाइट्रो ये सब सिर्फ प्रीफिक्स है आगे बढ़ जाओ कल को तुम्हें अगर पार्टी में जाने का मौका मिले कहाँ जाने का मौका मिले पार्टी पार्टी में जाने का मौका मिले
उसमें कौन कौन आया ये सुनना, उसमें आपके चाचा तायू, आपके मोहल्ले के जो है पार्षद, सभासद, चेयरमैन और विधायक जी हैं। किसकी पार्टी बताते हो बाहर बाहर जाने कि विधायक जी की पार्टी में गए थे, ऐसा है कि नहीं है? कोई पार्टी उसी में गडकरी साहब आ जाए तो कहेंगे गडकरी जी की पार्टी में गए थे भैया, गडकरी जी बुलाए थे, है ना। अगर प्रधानमंत्री भी है उस पार्टी में शामिल तो किसकी पार्टी में गए थे, प्रधानमंत्री पीएम की पार्टी में गए थे। कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे सीनियर है, क्या है, सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, वो पार्टी का को डिसाइड कर रहा है, मतलब वो पार्टी के रुतबे को डिसाइड कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि आप सबसे प्रायोरिटी में उसी का नाम लोगे, मतलब वही डिसिसिव है आपके लिए। इसी तरीके से अब प्रीफिक्स वगैरह क्या होगा, अरे वहाँ तो गडकरी साहब भी खड़े थे, वो भी खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री आए सीधे हमसे हाथ मिला लिए, समझ रहे हो, ये जो है नहीं, इस नॉट फेंकने का लेवल, मान लो प्रधानमंत्री है, पब्लिक पब्लिक ही उनकी सब कुछ है, गुजर रहे थे तुमसे हाथ मिला लिए, गडकरी साहब से रोज मिलाते थे नहीं मिला है, तुम क्या अरे गडकरी साहब से नहीं मिला हमसे मिला लिया, यही तो बताओगे। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बात समझो, नहीं लग लो प्रीफिक्स, देखो इट टेल्स अबाउट substituents functional group and other functional groups except senior most functional group, देखो हाँ, and arrange it in alphabetical manner before root word, right? Okay, primary suffix. It tells about the principal function group. It tells about the nature of bonding, the nature of bonding between carbon atoms of parent chain. चले yes, sir.
सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स चाहिए सबसे पहले क्लास का बात करने वाला था
सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा लिखवाया था नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, तीसरा लिखवाया था नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। एक मिनट मिनट एक और उसके बाद आपको बता दिया फंक्शन ग्रुप, ठीक है, और उनकी भी नेम बता दिया प्रीफिक्स ऑफ सफिक्स में, और उसके बाद मैंने आपको प्राइमरी से सफिक्स प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट में फंक्शन ग्रुप सेकेंडरी से सभी लगभग काफी सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग एक ही करके सबकी कोऑर्डिनेट डिस्कस करेंगे। हर कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट का फॉर्म कैपिटल आर के लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स स्टार्टिंग इन द रेडी फोन कर दीजिए बच्ची की तरह से हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लिए बस, ठीक है।
एग्जाम के आसपास ही होगी। क्या चला जाता है मतलब इतनी देर यार थोड़ी बड़ी बातें जो सुना तो पता चल जाता है क्या होगा छोटी बच्ची जाने नहीं देगा। एक एक मेरे दोस्त की उसका नाम था सारा पता नहीं चली तो हम लोग गए छोटी सर के पास good.
लोग खाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर आ गया यहां शुरू कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 अभी बजाया का जिला जान लिया गास्तो
चले आगे बढ़ जाए।
चूहन बनाया क्या चल रहा है क्या क्या चल रहा कोचिंग का भी चलवा देते हैं
इसको पढ़ लोगे हमेशा आ जाएगा वो। डिस्कस करने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करो। और कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड एन, और इसकी पोजीशन क्या है पहली होगी पहले से कल, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, तो इसी में इसी फॉर्मूले में कोई इसके अलावा कोई और फंक्शन ग्रुप नहीं है। ये हो गया आपका प्राइमरी सर्फेस, ये हो गया सेकेंडरी सर्फेस, कोई और फंक्शन ग्रुप है नहीं। तो यहाँ से शुरुआत यहाँ पर होगी ब्यूट प्लस 2-ene, कौन सी पोजिशन पे है 2-ene और अल, इसका नाम बताएं। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो उसको रूट वर्ड की तरह काउंट करेंगे, लोकल प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड क्या हो गया एथ, ठीक है एथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन और 1 और 2, ठीक है 1 और 2 डाइअल।
इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।